The circumference of the circle is 50 centimeter. The circumference of the circle is 50 centimeter. What will be the side of the square? What will be the side of the square that can be inscribed in the circle? What will be the side of the square that can be inscribed in the circle? Inscribed in a circle. 50 centimeter. सर्कमफ्रेंस गिवन है आपके पास सर्कल की, आपको कहता है इसमें कौन सी साइड का स्क्वायर जो है दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल. ये जो सर्कल है इसकी सर्कमफ्रेंस गिवन है, इसमें जो स्क्वायर बनाना है इसकी साइड फाइंड करनी है. व्हाट विल बी द साइड ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 50 सेंटीमीटर. सर्कमफ्रेंस गिवन है, सर्कमफ्रेंस से क्या आएगा? रेडियस. रेडियस ऑफ सर्कल आ जाएगा. उस रेडियस का इस स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन है? ये हो गया, ये रेडियस आ जाएगा यहां से. अब फाइंड कर लोगे ऑलरेडी, जो रेडियस यहां आएगा वो भी यही होगा. ये क्या बन जाएगा? डायगोनल ऑफ स्क्वायर. डायगनल ये क्या बन जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल. उसमें से ये साइड फाइंड करो. करो स्टार्ट जल्दी. किया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन उसमें कुछ और रेडियस गिवन था, यहाँ सर्कमफ्रेंस गिवन है. रेडियस का डबल करके डायमीटर ले लिया था, वो डायगनल बन गया था, फिर वहां से साइड फाइंड की थी. ऐसे नहीं पता, यहाँ पे सीधा आंसर नहीं आ रहा. साइड दी हुई है. क्या आ रहा है रेडियस? ठीक है, 175/22, डबल करके 175/11. ठीक है, डायमीटर आ गया, मतलब डायगनल की लेंथ आ गई. कर लो अब आगे, साइड फाइंड करो. साइड को एक्स ले लो. एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 175/11. यही आएगा ना? ठीक है. नाउ दिस इज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 175/11 स्क्वायर. ये 2 पहले इधर ले जाओ, इसको ऐसे लिख लो ना, 175, हाँ जी, अपॉन 121 है ना, 242 हो जाएगा. स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट कर दो. इन्होंने पाई में दिया हुआ आंसर, आप कैलकुलेट कर लो आपका जो भी आता है. आपने साइड फाइंड करनी है ना, एक्स फाइंड करना है. स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट कर लो. स्क्वायर रूट में से 175 बाहर आ जाएगा, 11 बाहर आ जाएगा, रूट 2 रह जाएगा. यही आएगा. ठीक है, इन्होंने पाई में लीव किया, वो कोई बात नहीं, रूट 2 से रैशनलाइज कर लो इसे. नहीं, ऐसे आएगा रूट टू इंटू रूट टू. 11 भी ले सकते हो, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. ऐसे रहो, किसको नहीं ले सकते? वो तब होता है जब यहाँ पे होल स्क्वायर होता, तब वो इधर ले जाओ. हाँ, रूट टू यहाँ नीचे रख दो, बात एक ही है, कर सकते हो. डन.
डन, रैशनलाइज कर लेना इसे, 175 रूट 2 अपॉन 22। फाइंड द रेडियस ऑफ, फाइंड द रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, फाइंड द रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इफ इट्स पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इफ इट्स पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर गिवन है किसका? सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का। कृतिका किसके इक्वल होगा 36? पाई आर प्लस 2 आर। याद है ये किया था हमने, ये प्रोटेक्टर है। लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया था, सेमी सर्कल का ये जो सर्कमफ्रेंस है ये किसके इक्वल आएगी? वैसे 2 पाई और आर होती है ना सर्कमफ्रेंस, उसका हाफ कर लो पाई आर। ये क्या है? ट्वाइस ऑफ रेडियस। प्रोटेक्टर है ना, तो दोनों को प्लस कर दो। पाई आर प्लस 2 आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? ठीक है, क्लियर है ये? उसका पेरीमीटर गिवन है, सर्कमफ्रेंस नहीं बोला उसने, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब पूरा, तो इसके इक्वल गिवन है। यहां से क्या आ जाएगा? रेडियस। ठीक है, रेडियस फाइंड करने के, बस ये रेडियस ही फाइंड करना है इसमें। रेडियस फाइंड करो, कैसे करेंगे दीक्षा? कैसे करेंगे रेडियस फाइंड? उससे पहले कुछ और भी हो सकता है। हाँ जी, आर कॉमन, आर कॉमन लेने के बाद पाई की वैल्यू पुट कर दो, एलसीएम ले लो ब्रैकेट में, बाकी टर्म्स को शिफ्ट कर लो, करो सॉल्व। जैदी तेज रहो जरा। चलो ये सॉल्व करो, रेडियस कॉमन लेने के बाद क्यों यहाँ से दिक्कत है? हो जाएगा, मैं हेल्प करूंगी आपकी, आप करो सॉल्व। चलो मैं बताऊंगी, नहीं आएगा तो रेडियस कॉमन लो, पाई की वैल्यू पुट करो। ठीक, रेडियस कॉमन लो उस साइड से। हाँ, क्या बचेगा? पाई प्लस 2, देखो इक्वल टू 36। पाई की वैल्यू पुट करो, एलसीएम लो, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आपने कर लिया सॉल्व? हो गया? लास्ट साकेत, सहज, क्या लिखा है ये? करो प्लस, लिखो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने किसने नहीं किया अभी तक आंसर? 7 किसका नहीं आया अभी? चलो करो आप दोनों। What is the distance traveled by a circular wheel? What is the distance traveled by the circular wheel of diameter d centimeter in one revolution? What is the distance traveled by the circular wheel of diameter d centimeter in one revolution? Wheel, circular wheel of diameter d centimeter in one revolution. Diameter given है, कहता one revolution में ये कितना distance travel करेगा? Pi d. One revolution मतलब उसकी circumference. जैसे suppose, जैसे कोई चीज जब घूमना start करती है, जैसे ये circle है, suppose करो ये wheel है, ये यहाँ पे ground पे touch कर रहा है, जब ये घूमना शुरू करेगा, ये starting point से start हुआ, पूरा एक बार राउंड लेके ये यहाँ दोबारा आ जाएगा, मींस ये दोबारा पॉइंट यहाँ टच करेगा। इसका मतलब जब एक बार रोटेट करेगा, दैट विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज 2πr। 2πr मीनिंग 2r क्या होता है?
डी होता है डी ट्वाइस ऑफ रेडियस क्या होता है डायमीटर, तो इसका और डायमीटर ही आपके पास गिवन है, नहीं करना तो आप इसको रेडियस की वैल्यू डी बाय टू भी तो ले सकते हो, ठीक है, तभी पाई डी आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू पाई डी। हाँ जी, बस वन नंबर का ही था, लिखो नेक्स्ट। हाँ जी, एम सी क्यू में आएगा, लिखो नेक्स्ट। मैंने सेंड भी था। द एरिया इनक्लोज्ड, द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स इज 770 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 770 सेंटीमीटर स्क्वेयर। If the radius of the outer circle is 21 centimeter, if the radius of the outer circle is 21 centimeter, find the radius of the inner circle. Find the radius of the inner circle. Outer का radius 21 है, area enclosed between the two circular region is 770 centimeter square. यूनिट का ध्यान रखना, दोनों सेम है अभी, तो इनर सर्कल का रेडियस निकालना है। हिमांशु बोलो कैसे करेंगे, बस इतना ही बता दो करना क्या है। इधर आओ, फिगर बनाओ जरा, ये हंसी किसको आ रही है, मैं जोक सुना रही हूँ यहाँ पे, हैं? इधर आओ बाहर, फिगर बनाओ इसकी, कुछ स्टार्ट भी कर लो, क्वेश्चन ही नहीं लिखा, बनाओ। कंसेंट्रिक मतलब एक दूसरे के बीच में है। एरिया इनक्लोज बिटवीन द टू कंसेंट्रिक सर्कल, कौन से एरिया की, 770 एरिया, एरिया दिया हुआ पूरा मतलब शेड कर दो, हाँ 770 एरिया। रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज 21, रेडियस कैसे ड्रॉ करते हैं, हाँ 21। इनर सर्कल का रेडियस निकालना है, कैसे करेंगे, ये एरिया फाइंड करना हो आपको तो कैसे फाइंड करोगे, ये वाला, ये एरिया अगर फाइंड करना हो तो किसका, बीच वाले का रेडियस ही तो नहीं है, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस, पाई कैपिटल आर स्क्वेयर पाई स्मॉल आर स्क्वेयर इक्वल टू क्या आएगा, ये कितना है, ये नहीं, ये नहीं गिवन, यही तो निकालना है, चलो निकालो, पाई कॉमन लो, वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूला कौन सा लगाया, आउटर माइनस इनर, पाई कॉमन आर स्क्वायर, उधर भी स्क्वायर, हाँ पाई की वैल्यू पुट कर दो, उधर ले जाओ इसको, चलो लिख दो पहले, 221 का स्क्वायर क्या होता है, 441, फोर्टीन सेंटीमीटर,
22 को भी इधर ले जाओ, ये डिवाइड से जाके मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई था वो डिवाइड करो, कट। ओए आवाज बंद करो सारे, डन हो गया। ये देखो इसने कर तो दिया, ये देखो कटिंग करो करो 11 से, कटिंग करो 2 से, 70 का हाफ 35 मल्टीप्लाई करो और कर दो, उधर कर दो, सॉल्व करो 245, वहां लिखो सॉल्व करो, दिस इज इक्वल टू 245, दिस इज इक्वल टू 245, आर की वैल्यू फाइंड करो, कर लिया बाकी सबने, माइनस आर स्क्वायर, डन। जय आदित्य, राहुल इधर से देख के नहीं करना, अपने आप करना है, बाकी लिखो क्वेश्चन सॉल्व करो, क्या हुआ, माइनस आर स्क्वायर इधर जाके प्लस आर स्क्वायर, 441 माइनस 245 करो माइनस, जो आर स्क्वायर हटा के उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, पहले माइनस कर लो। यस राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, if the perimeter of the circle is equal to that of the square, if the perimeter of the circle is equal to that of the square, find the ratio of their areas. Question ki statement do bar read karo pehle. If the perimeter of circle is that of the square, is that of the square means equal hai kiske, square ke kiske, perimeter ke, मतलब दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 4 इनटू साइड, रिलेशन फाइंड कर लो, दोनों के एरिया की रेशियो निकालनी है। हाँ ये किसका होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, 14 प्लस माइनस 14 लिखो, प्लस माइनस आगे लगाओ, प्लस माइनस माइनस इसके नीचे, हाँ हाँ इसके नीचे बस, हाँ इक्वल टू रेडियस, इसका मतलब होता है इसके दो आंसर आ रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का, नेगेटिव हो नहीं सकता रेडियस, पॉजिटिव 14 होगा, चलो जाओ। हाँ जी दोबारा बोलो, सर्कल क्लोज फिगर है तो उसकी आउटर बाउंड्री लेंगे और पेरीमीटर में उसको कट कर दिया, कट कर दिया तो इधर वाली लाइन काउंट होगी, इसमें फिगर ही क्लोज है, बीच वाली लाइन की तो बात ही नहीं है कहीं पर भी, इसलिए सिर्फ आउटर बाउंड्री आ जाती है, एरियाज। डन, देखो इधर आपको कहता है इफ द पेरीमीटर, इफ द सर्कमफेरेंस, नहीं पेरीमीटर, इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर मीन आउटर बाउंड्री, दैट इज 2 पाई आर, दैट इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस is equal to 4 into side, ये given है आपको, and what you have to find the ratio of their area, area of square upon area of square, इसकी ratio find करनी है, जो find करने ना उसको ध्यान में रखने की चाहिए क्या आपको, आपको इनकी ratio चाहिए, area of circle upon area of square, आपको ये चाहिए, अगर हम pi को separate कर दें, तो can I write r upon s whole square, radius upon साइड होल स्क्वायर, अगर आप आपके पास रेडियस और साइड की रेशियो आ जाए और यहाँ पुट कर दो तो उसका होल स्क्वायर कर दो आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो यहाँ से, आपको चाहिए क्या, रेडियस अपॉन साइड, रेडियस अपॉन साइड इज इक्वल टू 4/2π, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये चाहिए ना आपको, रेडियस अपॉन साइड, यहाँ पर रेडियस अपॉन साइड 4/2π, मतलब मैं इसकी वैल्यू ले आई क्योंकि मुझे यहाँ चाहिए, और कोई अल्टरनेटिव है नहीं क्योंकि सॉल्व ही नहीं होता, ना आर पता है ना एस पता है, तो यही एक वे है, यहाँ से जो चाहिए उसकी वैल्यू यहाँ से निकाल ली, क्या आ गई वैल्यू, आर अपॉन
यस, इसकी कटिंग कर दो, 2/π आ गई। किसको ये समझ में नहीं आया पहले तो ये बताओ। एक्चुअली हमने करा क्या है, हमने यहां से देखा फाइंड क्या करना था, जो फाइंड करना था आर अपॉन एस, उसकी वैल्यू यहां से निकाली जो गिवन था। अब आर अपॉन एस की वैल्यू क्या है, आर अपॉन एस की वैल्यू क्या है, 2/π होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा, पाई 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, एक कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 4/π, दैट इज 4:π। और अगर आप पाई को चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज यही ओके है। ऑप्शंस में देख लेना जैसे आंसर होगा, अगर पाई में है तो पाई में कर देना, सिंपल है तो सिंपल कर देना, ठीक है, क्लियर है। मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको एक दूसरे की हेल्प चाहिए, ये जो गिवन डाटा है उसमें से फाइंड करना या पुट करना, क्योंकि गिवन तो कुछ भी नहीं है तो रेशियो ही फाइंड करनी पड़ेगी। ये आपको आर अपॉन एस चाहिए था ना, आर और एस चाहिए था, मैंने आर अपॉन एस लिख दिया, जो बाकी चीजें थी उनको एक साइड पे कलेक्ट कर दिया, 4 को 4 लिख दिया, 2π मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके क्या हो गया डिवाइड, इसकी कटिंग कर दी। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल that can be drawn inside the given rectangle of length A and breadth B. I'm repeating, find the area of the largest circle that can be drawn inside the given rectangle of length A centimeter and breadth B centimeter. A सेंटीमीटर है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है लेंथ A, ब्रेथ B, एक सर्कल ड्रॉ करना है, लार्जेस्ट सर्कल मतलब जिससे बड़ा और पॉसिबल ना हो, इतना बड़ा सर्कल बनाना है जो इस रेक्टेंगल के अंदर आ जाए, ठीक है, उसका एरिया निकालना। गलत कर रहे हो, पहले ये बताओ ये सर्कल है, छोटा बनाओ ना फिर एक साइड पे बनाओ, आपने भी गलत बनाया है। जैसे पहले क्वेश्चन किया था ना, ये वैसा नहीं है, वो स्क्वायर का केस था, देखो इधर इसकी फिगर ऐसे फॉर्म होगी, ये रेक्टेंगल है, लेंथ ए है, ब्रेथ बी है, यहां पे बनेगा सर्कल एक साइड पे। अभी ये देखो, ये इसकी वेट है बी, इसका मतलब इसका डायमीटर जो है बी होगा, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता, लेंथ तो बन नहीं सकती भाई, ए वाला का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि अगर आप ऐसे बड़ा बनाते हो तो वो तो एलिप्स टाइप या ओवल शेप बन जाएगा, आपको सर्कल चाहिए, इसका मतलब जितनी इसकी वेट है दैट कैन बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अगर ये विड्थ इसकी डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा, बी बाय टू, तो इसका रेडियस आ गया बी बाय टू, एरिया निकाल लो पाई आर स्क्वायर, आर क्या है बी बाय टू, बस कहीं पर भी फॉर्म कर दो, विड्थ तो बी ही होगी, बनाने की तो आपकी मर्जी है, जैसे इसने बना सकते हो वैसे भी बना, पर विड्थ तो बी रहेगी ना, डायमीटर तो बी रहेगा, बनाने को इधर बना दो, उधर बना दो, सेंटर में बना दो, कहीं पर भी बना दो, इन्होंने कोई आप देख लो पाई में दिया हुआ है, पाई बी स्क्वायर बाय 4, कोई नहीं, कर लो सब फाइंड कर लो, पाई में करना है तो भी कर सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, अगर पाई में लीव करते हो तो आंसर पाई बी स्क्वायर बाय 4 पाई में, और अगर पाई के बिना तो बाय, देख लो जैसे भी आंसर होगा, पाई के अकॉर्डिंग है या नहीं है वो आप देख लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क कर लेना, दोबारा दोबारा नहीं डिस्कस होंगे, ठीक है, बाद में कोई और बुक देखेंगे फिर उसमें कुछ और मिलेगा, इसलिए आप एक ही बार नोट कर लो,
आप रिवाइज कर लेना। हाँ सारे 1 नंबर के ही हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा ज्यादा लेंदी करवाने का फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आने ही वही है तो फिर फायदा नहीं ना। तो और जो करवाएंगे उसमें से कोई कोई पार्ट हो सकता है 1-1 नंबर का। एक थोड़े से बड़े क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, उसमें जो सिंगल सिंगल पार्ट का एरिया निकालना होगा वो वाले भी कर लेते हैं। लिखो, ए बाइसिकल व्हील मेक्स 5,000 रेवोल्यूशंस, मेक्स 5,000 रेवोल्यूशंस इन मूविंग 10 किलोमीटर, रेवोल्यूशंस इन मूविंग 10 किलोमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील। तरुण जी फॉर्मूला बोलो। आप मुझे ये बताओ नंबर ऑफ रेवोल्यूशन वाला फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जिसमें मर्जी कर लो, मीटर में कर लो, मीटर बेटर, मीटर में किया करो। पहले भी था ना बुक में क्वेश्चन, मीटर में किया था, मीटर में किया करो। फॉर्मूला बोलो बच्चे, गरिमा आप बोलो, आता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, हाँ वो बता दो, वही नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ही तो हो गया। इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस, ठीक है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस जो है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। टोटल डिस्टेंस गिवन है, रेवोल्यूशंस गिवन है, सॉल्व कर लो क्या आएगा वहां से? रेडियस। अभी फॉर्मूला बता दिया आपको, वो फॉर्मूला लगाना है, लेकिन कन्वर्ट वगैरह आपने करना है, देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस गिवन है 10 किलोमीटर, सर्कमफ्रेंस नहीं गिवन 2 पाई आर, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 5,000, ये 10 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 10,000 मीटर, ठीक है, ये 5,000 है। सर्कमफ्रेंस को सी लिख लो या 2 पाई आर लिख लो, वो फाइंड करना है। पहले सी निकाल लो यहां से, 10,000 अपॉन 5,000 दैट इज 2, सर्कमफ्रेंस क्या है? 2 पाई आर, पुट कर दो क्या आएगा? 7/22। सब कुछ इकट्ठे पुट कर देते ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, अगर यहाँ 2 पाई आर भी लिख देते हो तो उससे बेटर है पहले सी निकाल लो। अब सी की वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल, रेडियस इज इक्वल टू 1/पाई, पाई की वैल्यू 22/7, 7/22 आ जाएगा। आप करो सॉल्व जैसे आपको आता है, आंसर यही आएगा। ये इतनी कटिंग क्यों कर रहे हो? आप थोड़े से दूसरे टाइप के सम कर लेते हैं। क्या हुआ, नहीं समझ आया? खुद नहीं पता समझ आई कि नहीं आई। चलो लिखो क्वेश्चन, हो गया ये सबका? क्या हुआ, इतना तो है भी नहीं कुछ, सब कुछ तो बोल दिया। 2 पाई आर इज इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू 22/7 आर, जब ये कैंसिल हो गया यहाँ क्या आएगा? 1, आर इज इक्वल टू 7/22, ठीक है। चलो लिखो, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 16.8 सेंटीमीटर, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 16.8 सेंटीमीटर, फाइंड द सर्कमफ्रेंस सेंटीमीटर। स्टेटमेंट पहले रीड करो फिर देखो क्या है। आपको
आपको कहता है कि सर्कमफ्रेंस जो है वो डायमीटर से ग्रेटर है, कितनी 16.8, तो सर्कमफ्रेंस माइनस डायमीटर इज इक्वल टू 16.8, या सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू डायमीटर प्लस 16, बात तो एक ही है, ये इधर जाके माइनस ही तो होना है, एक ही बात है, जैसे मर्जी करो। अब देखो कैसे करेंगे, इसको 2πr लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाई डी लिखेंगे, इज इक्वल टू 16.8, डी कॉमन, पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 16.8, डायमीटर फाइंड करेंगे 22, पाई 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 16.8, एलसीएम ले लो कितना आ रहा है, पाई गिवन है, ठीक है यही गिवन है पाई, 15 बाय 7 आ जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू 16.8 इंटू 7 अपॉन 15, कटिंग कर दो, कटिंग करो, डी फाइन कर लो, आपने पाई डी ही फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस मींस पाई डी, डी निकाल के वहां पुट कर देना, सर्कमफ्रेंस निकाल है क्या, नहीं यही दी हुई है 22/7 ही दी हुई है, अगर डेसिमल में गिवन हो तो वो यूज करनी है, अदरवाइज यही गिवन है, रिवीजन में सबकी टर्न आएगी ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करने की, ठीक है, इसलिए रेगुलर भी रहना है और अटेंटिव भी रहना है, ये ना पता ही ना हो चल क्या रहा है क्लास में, और अच्छे से ब्रेकफास्ट करके आना है, कोई ये नहीं कहेगा हमारा हेडेक हो रहा है, अच्छे से खा के आया करो, हाँ जी काम कर लो, कहाँ उधर देख रहे हो, सॉल्व करो, मेरी वेट कर रहे हो, कोई बात नहीं, पाई डी कर दो, अब डेसिमल में फाइंड कर लो, इन्होंने दोनों ही निकाले हुए हैं, सर्कमफ्रेंस आ रही है 616 अपॉन 25 आ रहा है, करो क्या है अभी, क्या कर रहा था, पाई डी कर लो, जो आपकी डायमीटर आ रहा है उसको 22/7 से मल्टीप्लाई कर लो, नहीं ऐसे रहना।